नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उस अशोक पेपर मिल में हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार के, जहां पर एशिया में इस अशोक पेपर मिल का नाम चलता था, उसके पेपर का नाम चलता था। और आज उस पेपर मिल के इस खंडहर जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं, ये पुराना तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस समय में जो नेता थे वो सभी लोग यहां पर गए थे। हम किसी का नाम आज नहीं लेने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये पूछने वाले हैं कि आखिरकार नेताओं ने बिहार को बर्बाद क्यों कर दिया। आज हमारे भी युवा, हमारे लोग गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अन्य राज्यों में जाकर ठोकरे खा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके तल खासकर उनके नाकों के नीचे, उनके पांवों के पीछे नीचे जो है वो जाकर नतमस्तक हो रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं। ऐसे लोगों को आज मजबूर क्यों कर दिया गया। आज इस अशोक पेपर मिल का स्थिति देखिए, बहुत सारे ऐसे चीनी मिल है उनकी स्थिति देखिए, बहुत सारा ऐसा मिल जो बंद है आज उसकी स्थिति देखिए। आखिरकार यहाँ के लोग इतने गिर क्यों गए, यहाँ के लोगों ने ये क्यों नहीं समझा कि जिस राजनीतिक संगठनों के द्वारा या फिर जिस मुख्यमंत्री के राज्य। महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग होरलपट्टी दरभंगा बिहार, यहाँ पर नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ANM GNM BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स INC BNRC बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है। का संपर्क सूत्र है 9102808052। यहाँ के बच्चे DMCH में प्रैक्टिकल करते हैं। राज्य में काम नहीं हुआ, जिस मुख्यमंत्री के राज्य में ये अशोक पेपर मिल नहीं चालू हुआ, उनको वोट नहीं करना चाहिए था, फिर उनको जिताना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ तो हो गया कि फ्री में खाने का आदत, लोगों को सुनने का आदत हो गया है, लोग सब कुछ करते हैं, लोग अपने जमीन को भी बेच देते हैं। ऐसे में आज अशोक पेपर मिल की हम बात कर रहे हैं, मझुलिया जैसे गाँव जहाँ पर लोग अपने जीवन के बहुमूल्य संपत्तियों में से अपने खेतों को लोगों ने दिया, अपने जमीनों को लोगों ने दिया, उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा समझ सकते हैं। आज यहाँ पर लगभग किसी कोई ये ठीक से नहीं बता पा रहा है कि आखिरकार 250 बीघा है या 300 बीघा है या 400 बीघा है। आप समझ सकते हैं कि पेपर मिल का हालात जिसने भी किया, जिस नेताओं ने किया, जिस जनप्रतिनिधियों ने किया, जिस मुख्यमंत्री ने किया या फिर जिस लोगों के हाथ में था, उन लोगों के द्वारा पूरे इस क्षेत्र को खोखला बना दिया गया। इस जगह पर एक हत्या भी कर दी गई। आखिरकार कहीं ना कहीं जो लोग हैं इस क्षेत्र के, वो कितने परेशान हैं अशोक पेपर मिल को लेकर। जो लोग सुबह जाते थे, टिफिन लेकर जाते थे, 8 बजे 8 घंटे की नौकरी कर घर आते थे, उन लोगों के जीवन को पूरा नरक बना दिया गया। आज समझ सकते हैं, सुकांत झा हैं जो इस वक्त लीडर हैं यूनियन के, ऐसे लोग भी आज परेशान हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार कैसे ये होगा और उनका जो जीवन है वो कैसे चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ पर शहनवाज अहमद कैफे हैं जो लोजपा के नेता हैं, महासचिव हैं, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। शहनवाज जी, एक मामला और अपने क्षेत्र का अशोक पेपर मिल का है, किसी ने कहा 300, किसी ने कहा 400, किसी ने कहा 350। एक्चुअल जमीन क्या पता है कि अशोक पेपर मिल के पास अभी एक्चुअल जमीन कितना उसके पास है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अंचला अधिकारी भी ठीक से नहीं बता पा रहे हैं और कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या आपको कहा ना कि सरकार की नीयत पर ही संदेह है। अशोक पेपर, आप तो मेरे विषय को आपने छेड़ दिया इत्तेफाक से। मेरा इस अशोक पेपर मिल से वो जन्म से पहले का रिश्ता है। मेरे पिताजी यहाँ मजदूर पंचायत की और उमाधर बाबू कामगार यूनियन की। 385 एकड़, 400 लगभग 400 एकड़ जमीन है। अशोक पेपर मिल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 36 महीने के लिए NCFL को अशोक पेपर मिल दिया गया। फेल कर गया, भाग गया, केस हो गया, बहुत मामला है मजदूरों का, आज तक करोड़ों रुपया लंबित है वेतन। हमने कई बार अनुरोध किया, जिस वक्त शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे उन्होंने प्रयास भी किया, आए थे भी, कि ये 400 जो एकड़ बंजर जमीन पड़ी है, आज उद्योग के लिए लोग बिहार की तरफ लालायित है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इलाके में रोजगार मतलब मुहैया हो जाएगा, सरकार अगर रोजगार देना चाहती है तो उस जमीन को सरकार अपने स्तर से अपने अधीन करे, वापस ले NCFL से, क्योंकि NCFL फेल कर चुका, और वापस लेने के बाद उस पर उद्योग लगे। लगभग 400 एकड़ जमीन है, यह मैं आपको कह रहा हूं। एम्स नहीं आने का यहां पर सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? बताया जा रहा है कि यहां बड़े नेताओं ने, खासकर विधायक रामचंद्र प्रसाद ने भी आरोप लगाया कि यहाँ के कुछ नेताओं ने चाहा ही नहीं कि यहाँ पर आए एम्स, तो क्या? देखिए, हम विधायक जी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, विधायक जी को क्षेत्र की जितनी जानकारी है उतने बोलेंगे। अशोक पेपर मिल की जमीन को समझना होगा, जमीन अशोक पेपर मिल की है और अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से NCFL के नाम हो चुकी, नाम मतलब उसको शर्तों पर ट्रांसफर हो चुका। बिहार सरकार की ढुलमुल नीति के कारण NCFL से वो जमीन वापस नहीं हो रही है, और अगर वापस हो जाती तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने कहा था जिस वक्त हमारे MP गोपाल जी ठाकुर ने एक बयान दिया कि यहां हम वो इथलोन कंपनी इथलोन लाएंगे और ये करेंगे, हमने शाहनवाज हुसैन से बात की, तो भैया लाएंगे तब ना, जब मेरे मजदूरों की समस्या का निदान होगा। अशोक पेपर मिल हाथी की दांत की तरह
खड़ा है, चिढ़ा रहा है हमको, हमारी उस समस्या का समाधान करिए। सरकार की नीयत साफ है तो सरकार उस जमीन को पहले अपने में ले। और एम्स क्या, यहाँ तो कई कई फैक्ट्रियां लग सकती है। अच्छा, तो फिर सरकार ने इस जगह को एम्स के लिए क्यों चुना फिर? नकारात्मक रवैया, एम्स को नहीं चुना, चुनने के पीछे कारण यही ना था कि सरकार पहले उस जमीन को अपने वापस लेगी, उसके बाद ना आपको बताएगी कि एम्स खोलेंगे कि इंडस्ट्री चलाएंगे। तो सरकार में बैठे लोग तो अपने मदमस्त हैं, नीतीश जी, तेजस्वी जी, वोट का समीकरण। मुझे एक बात और जानना है कि इतना साल होने आ रहा है और कोई निष्कर्ष नहीं निकलना, जनता को भगवान भरोसे छोड़ देना, 5 साल किसी भी सांसद का होता है, आप ही के सांसद हों या फिर किसी भी पार्टी के सांसद हों, तो क्या प्रयास किया जा सकता था कि नहीं? अगर आपके क्षेत्र में आपके प्रधानमंत्री आपके कार्यक्रम में आते हैं, आपके घर जाते हैं, इतने सारा प्रेम है अगर, तो कोई भी काम हो सकता है। ये बात एकदम सच है कि हम तो उस जमीन से पैदा हुए, दुख तो है, दर्द ये है हमको कि जो करने लायक होता है उसको आवाम मौका नहीं देती है, और जिसको मौका देती है उसको करने नहीं आता। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं? हाँ जी। अशोक पेपर मिल के इतिहास को समझना होगा, जो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं ना, उस प्रॉब्लम्स को सरकार चाहे ईमानदारी से तो ठीक कर सकती है, ठीक तो करती नहीं, पर ईमानदारी से चाहती तो हो जाती, कोई चाहता नहीं, इसका दुख तो है हमको। चलो, थैंक यू।